हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ऑन लिविन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों बेंगलोर रेस की। 10 जून की रेस है। पहली रेस 1:30 बजे, आखिरी रेस 4:30 बजे है। और मैं शॉर्ट सिलेक्शन ही, मतलब कुछ टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड लेके चलूंगा। मतलब कोशिश करूंगा यार, कम से कम लेके चलूंगा अपनी तरफ से। और आज जैसी मैसूर हुई है यार, मैसूर के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। मैसूर ऐसी लगती है कि सामने एक बंदा, मतलब बुक्की बैठा हुआ है और दूसरा सामने तरफ पंटर बैठा हुआ है। बुक्की कहता है खेलो, क्या खेलना है। जैसे मैं सपोज यार आज की रेस में लेके चलता हूँ, मैं पहली रेस में ले लेते हैं। पहली रेस में रॉयल टाइटल था, अरशद आलम बैठा हुआ था। लास्ट टाइम बहुत बढ़िया रन दिया था घोड़े ने यार, और शायद पोजिशन भी काफी अच्छी थी। बट आज वही, जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैसूर ऐसा कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैसूर कह रहा है कि भाई खेलो, खेलना है जिसको 3 नंबर खेलते रहो। और ऐसा ही हुआ, वन साइडेड विन प्लेस दबा दब। और उसके बाद घोड़ा मेरे ख्याल से पीछे ही रह गया, गेट में ही रह गया एक तरीके से। और उसके बाद कोई मूवमेंट ही नहीं। खैर, फिर उसके बाद एक चौथी रेस को भी ले लेते हैं, कूपर सनराइज। 14 नंबर अंगद बैठा हुआ था और लास्ट रन स्टील में इतना सुपीरियर था। इस बार अंगद बैठा हुआ था 1 रन, थर्ड रेस ऑलरेडी अंगद जीत चुका था। तो फिर 14 नंबर वही कि आओ, 14 नंबर कौन कौन खेलना चाहता है, सब खेले। और फिर घोड़ा बाहर और पीछे ही रह गया। उसके बाद एक इसकी बात कर लेते हैं यार, मेजर इवेंट था। और स्टार ग्लोरी फुल फॉर्म में घोड़ा आया बेंगलोर से, और जॉकी टॉप जॉकी इंडिया का शायद यस नायडू, और बैठा हुआ था। और 80 पैसे का 11 पैसे या 12 पैसे, 11/10 या 12/10 खुला और घोड़ा लगा थोड़ा और 80 पैसे रह गया। और जैसा मैं बता रहा हूँ, जॉकी हमारे इंडिया का और घोड़ा बहुत बढ़िया, बैंगलोर नो डाउट। और उसके साथ एक सोवर्जियन ओआर भी आ रखा था, और वो भी खैर वेट बहुत ज्यादा था उसपे, जैसा मैंने बताया भी था। बट दोनों घोड़े बाहर। और उसके बाद फ्लूक में जो घोड़ा दिया गया था फन एंड लाफ्टर, और शायद बहुत इजी जीता। और मैसूर में मेरे ख्याल से भाव भी बहुत कम था, बाकी सेंटरों में 7-7 रुपए था शायद, और शायद मैसूर में भी 7 ही रुपए था। बट जहाँ पे बुकों में अगर देखा गया तो मेरे ख्याल से बुकों में और कम था। खैर, और उसमें फिर आ जाते हैं 7वीं रेस में। 9 व्हिप रेस थी, कोसी कुमार बैठा हुआ था। और जैसी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या है रीजन, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बट मैं यार बड़ा कंफ्यूज था आज पहली रेस से कि आखिर हो क्या रहा है। 7वीं रेस में मुझे बड़ी उम्मीद रही कि अकेला दो और घोड़ा जीतेगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बढ़िया फील्ड में और काफी टाइट फील्ड में भागा था वीआर जगदीश के नीचे, और फ्रंट रनर घोड़ा था। और इस बार ठीक ठाक, जैसा मैं बता रहा हूँ कि आओ कौन कौन खेलना चाहता है, सब खेले हैं। और घोड़ा उसके बाद थर्ड पोजिशन से थर्ड पोजिशन पे ही रहा है। खैर, ये मैसूर की बात है यार, ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। शायद अपना ही मजा है मैसूर का, लोगों का खेलने का। खैर, उम्मीद करते हैं यार बैंगलोर ऐसी ना हो, फिर उसी हिसाब से सेंटर को कंसिडर किया जाता है। जैसा मैसूर, लोगों का अपना अपना कहना है मैसूर के लिए, मैसूर रेस के लिए ठीक है मैसूर। बाकी यार आ जाते हैं, खैर बैंगलोर में काफी ज्यादा हो गया मैसूर के बारे में कहना। और पहली रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4 की, बेंगलोर की। यहाँ पे जो मैं टॉप हॉर्सेस ऑन फील्ड लेके चलूंगा, मिस्टर हम्बल, विशाल एंड बुंदे। लास्ट टाइम क्लास 5 में ट्रेवर के नीचे जीता था मार्च में, और उससे पहले क्लास 4 के रन है घोड़े के, और काफी लंबे समय के बाद फेवरेट होकर जीता था विशाल एंड बुंदे के नीचे। बिल्कुल दोबारा एक रन दे सकता है। 2 नंबर है बेल्टीमोर, ट्रैक दिख नहीं रहा यार वैसे, 18 मार्च को भागा हुआ घोड़ा है, अभी 2-3 महीने के बाद गैप के बाद भाग रहा है, बट अभी ट्रैक है नहीं घोड़े का। कह सकते हैं कि घोड़ा घोड़ा बोर्ड के लिए यार ट्राई करे। और उसके बाद है 4 नंबर क्वेवेगा, यहाँ पे ब्लैंकर ऑन कर रहे हैं। लास्ट टाइम घोड़ा गेट से तो निकला था बट गैलप ही लिया था घोड़े ने, तो इस बार मूव भी देके आ रहे हैं घोड़े को। उम्मीद करते हैं कि अंगद के नीचे एक बेटर रन देखने को मिले। उसके बाद है 5 नंबर सिल्वर स्विफ्ट सी उमेश के नीचे, यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे उम्मीद करते हैं यार, ये घोड़ा बढ़िया है और रन अच्छे हैं इसके, तो उम्मीद करते हैं सी उमेश के नीचे एक बेटर रन देखने को मिले, घोड़ा यहाँ पे जीते। 1 नंबर का गेट है। और लास्ट टाइम कीर्तिस भगत के नीचे विदाउट विप घोड़ा भागा था, टाइगर रिटर्न के साथ में चौथा हुआ था, काफी क्लोज। उससे ऊपर
इंद्रजीत बैठा हुआ था, तो इस बार ही कहीं ना कहीं पे जॉकी का ही बेनिफिट होना चाहिए। काफी लंबा समय हो गया यार घोड़े का। उसके बाद है दोस्तों 6 नंबर मास्टर ऑफ करेज माइनर प्लेसिंग। आप देख सकते हैं टीएस जोधा की अगेरा के साथ ही भागा था, लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ है 7वां लगा था। और उसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर में बेलीसिमो केजी लिखित अपो बैठा हुआ है। अगर रन देखेंगे आप यार, लास्ट टाइम कोसी ने चलाया था और काफी क्लोज फिनिश था अगेरा के आगे, उससे पहले भी कोसी ने चलाया, तो कहीं ना कहीं इस बारी जॉकी का बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि 3 रन की मनी कोसी कोसी। और बिल्कुल यार घोड़ा उम्मीद करते हैं इस बारी बोर्ड में रहे। और उसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर चिराग की, सीधा राजू के नीचे सरप्राइज कर सकता है, अपसेट कर सकता है कह सकते हैं आप। और उसके बाद दोस्तों इस रेस में मैं पिक लेके चलूंगा यार 5 नंबर सिल्वर स्विफ्ट सी उमेश और 7 नंबर बेलीसिमो केजी लिखी तप्पू। सेकेंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, सेकेंड रेस 1400 मीटर की है, 3 ईयर ओल्ड की। यहाँ पे 1 नंबर है ई बोट्स और यहाँ पे पहला रन है घोड़े का यार, और पीएस चौहान बैठा रखा है अर्जुन मंगलकर जी के घोड़े पे, ट्रैक ठीक जा रहा है, उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में रहे। 2 नंबर आयरिश कॉफी सरप्राइज कर सकता है, 1 रन का बेनिफिट है। 3 नंबर नाइट डिफेंसर बहुत बढ़िया रन दे रहा है यार, और पेडिग्री वाइज भी बहुत बढ़िया घोड़ा है, और मिस्टर पद्मा भान जी का घोड़ा है। यहाँ पे ट्रेनर इम्तियाज खान लिखा हुआ है शायद, क्योंकि पद्मा भान जी है नहीं, सस्पेंड है शायद, और शायद। और यहाँ पे घोड़ा बिल्कुल 28 तारीख को भी अभी यार विड्रॉन किया गया था, और चांस बिल्कुल बनता है ट्राइवर के नीचे घोड़े का, मतलब बढ़िया लग रहा है घोड़ा, अच्छी पेडिग्री है। और 4 नंबर रेनबो ड्रीमर टीएस ऑन कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में इशू जरूर रहा था, और गोल्डन पिक के आगे काफी टाइट फील्ड थी, यहाँ पे बिल्कुल ये सरप्राइज कर सकता है इस बारी। 7 नंबर तिहानी ट्रेवर अक्षय कुमार ने चलाया था लास्ट टाइम वैरो चियो के आगे, और बिल्कुल दोबारा चांस बनता है 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है। 8 नंबर विक्टोरिया दोरेसानी, यहाँ पे एस सकलेन इरफान गटाला, इरफान गटाला जी के घोड़े यार बहुत लॉन्गर रोड में जीतते हैं पहले रन में, तो ये घोड़ा इस तरीके से आप देख सकते हैं अपसेट के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जो मेरा पिक रहेगा 3 नंबर नाइट डिफेंसर पी ट्रेवर और 7 नंबर तिहानी अक्षय कुमार। थर्ड रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर की रेस है और क्लास 4 के, यहाँ पे मैं पिक लेके टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड 1 नंबर मिलब्रुक। 1200 मीटर का ही घोड़ा है, कहीं ना कहीं पे यार 1200 मीटर जीता हुआ है, और यहाँ पे उम्मीद करते हैं 1200 मीटर में दोबारा एक मतलब एक रन अभी लास्ट टाइम लिया था मेजर, और नाजिल के नीचे जॉन बैठ गया है, और वेट का कहीं ना कहीं पे बेनिफिट होना चाहिए, उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में रहे। 2 नंबर सोहेल भवानी सिंह, बहुत मेहनत करनी पड़ी घोड़े पे, बट लास्ट टाइम पे गैलप या 100 मीटर में जिसे कहते हैं बहुत बढ़िया लिया था एलसीड सिनर्जी के आगे, खैर वो घोड़ा बहुत काफी ऊपर का था बट उसके आगे काफी क्लोज अच्छा फिनिश किया है। यहाँ पे उम्मीद करते हैं घोड़ा यार इस बारी जीतने के चांस बनते हैं। 3 नंबर मैक्रॉन ब्लैंकर टीएस ऑन कर रहे हैं और 200 मीटर शॉर्ट जाना है, तीन तीनों रन 1400 के हैं, तो यहाँ पे ये बेटर रन की उम्मीद कर सकते हैं घोड़े से यार। फ्लैमिंगो रोड अर्जुन मंगोलकर जी के पास घोड़ा था, इस बार अजय अली जी के पास है घोड़ा, अगर आप देखेंगे दूसरा तीसरा 10 ओवरजिन ओआरबी के साथ दूसरा लगा हुआ है, सोफिया के साथ तीसरा, बेल्डोना के आगे फेवरेट था, एक घोड़ा 1 रन प्लेस आउट है आर्चवे के आगे और अल्टीमेट स्टोरी के आगे थर्ड फेवरेट था, तो बीएल पासवान के नीचे ये भी सरप्राइज कर सकता है, चांस बनता है कहने का मतलब है। ग्लो इन द डार्क यहाँ पे लास्ट रन अगर आप बात करेंगे गिरीश के नीचे यार घोड़ा ऐसा लगा था कि मतलब थर्ड हो सकता था, मैं श्योर तो नहीं हूँ बट ऐसा लगा, बट लास्ट मोमेंट में जिसे लिखा हुआ भी है कि मतलब पूरी राइडिंग ठीक नहीं थी आखिरी मोमेंट में शायद। और ग्रुविन यहाँ पे फर्स्ट रन बहुत बढ़िया था यार, और मोक दे के आ रहे हैं इस घोड़े को, और हिंदू सिंह ही दे रहा है मोक, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे घोड़ा बोर्ड में रहे या जीते। गोल्डन स्टारलेट लास्ट रन बढ़िया था यार, एम राजेश के नीचे अंगद बैठा दिया है, और उम्मीद करते हैं यहाँ पे एक और बेटर रन देखने को मिले। पिक लेके चलूंगा 2 नंबर लास्ट रन के हिसाब से सियोल भवानी सिंह और 6 नंबर ग्रुविन हिंदू सिंह। चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1200 मीटर की रेस है क्लास 3 की, और यहाँ पे मैं टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में 1 नंबर एटर्नल प्रिंसेस एस नायडू जी के 2 घोड़े हैं, और क्राउन कंसर्ट और एटर्नल प्रिंसेस आप देख के चलें, और 3 नंबर तृप्तिका बढ़िया घोड़ा है, सिद्धा राजू बैठा हुआ है,
और घोड़ा कहीं ना कहीं पे यार फर्स्ट सेकंड थर्ड में भागता है, तो ये बिल्कुल चांस में ये भी बनता है घोड़ा। और 10 नंबर है टफ कुकीज, अभी लास्ट टाइम ये विड्रॉन हुआ था शायद यार घोड़ा। और ब्लैंकर हुड ऑन कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि एक बेटर रन दे एआर प्रदीप के नीचे और घोड़ा बोर्ड में रहे। और बुक के हिसाब से यार क्राउन कंसर्ट डे बेस्ट भी दे रहे हैं, जैसा मैंने बताया एस नायडू जी के 2 घोड़े हैं, तो मैं ये 2 ही पिक लेके चलूंगा, 4 नंबर क्राउन कंसर्ट यस नायडू और 1 नंबर एटर्नल प्रिंसेस। लास्ट रन अच्छा था, सीएनबी ऑन किए थे इक्के पे और विनोद शिंदे उम्मीद करते हैं कि एक बेटर रन दे। उसके बाद आ जाते हैं 1-2 की बैट है दोस्तों, 1800 मीटर की रेस है, सारे ही घोड़े वैसे तो दिख रहे हैं। 1 नंबर है स्प्लेंडेडो, बहुत बढ़िया रन था विनोद शिंदे के नीचे लास्ट रन, क्रिस्टोफल के आगे गुड थर्ड लगा हुआ है और काफी अच्छा गैलअप था 1600 में, बट इस बार 200 मीटर और एक्स्ट्रा जाना है। और ये 3 घोड़े सेम रेस में भागे थे, 2 नंबर टिगर नैनलो, यहाँ पे पी एस चौहान बैठा हुआ है, और लास्ट रन काफी स्लो कह सकते हैं, मतलब स्लो निकला था, और लेकिन तब से पी एस चौहान राइडर बेटर बैठ गया है। तो और तीसरा घोड़ा इसी रेस में भागा था स्टालर गोल्ड, उम्मीद थी बट ठीक है, वो रन नहीं था, इतना स्लो भी नहीं था यार, स्लो लिखा हुआ इतना स्लो भी नहीं था, 2 नंबर जरूर ज्यादा स्लो था। और उसके बाद है 3 नंबर स्टोमी ओसियन, पी ट्रेवर ही रन दे रहा है और बढ़िया घोड़ा है डी बैराम जी का, उम्मीद करते हैं ये घोड़ा यार दोबारा फॉर्म देखने को मिले इस घोड़े की। माइटी जो भी अक्षय कुमार के नीचे काफी लोअर वेट में, दोनों रन बढ़िया है, 1400 सरप्राइज कह सकते हैं, अपसेट कह सकते हैं। 7 नंबर ट्रुथ भी एस श्रीकांत जी का हैदराबाद का बढ़िया घोड़ा है। और यहाँ पे मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों 1-2 की बैट है, बट जो मुझे टॉप में लग रहे हैं 3 नंबर स्टोमी ओसियन पी ट्रेवर और 1 नंबर स्प्लेंडिडो लास्ट रन के हिसाब से, और ये भी मिस्टर पद्मा भान जी का घोड़ा है, और विनोद शिंदे। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 6ठी रेस में, द नवाब एम अरशद अली खान मेमोरियल कप है, 1400 मीटर क्लास 1 की रेस है, यहाँ पे काफी घोड़े हैं यार। 1 नंबर ब्लैक ऑनिक्स मगन सिंह जी का मेरे ख्याल से यार बेस्ट घोड़ा है, अभी तक का तो नहीं कह सकता बट शायद हाँ कि इस टाइम में शायद मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट घोड़ा है, जिसको हर फील्ड में भाग रहा है घोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नॉर्थन लाइट के आगे भी काफी क्लोज 4था फिनिश किया था यार। उसके बाद 2 नंबर है फास्ट ट्रेन, अभी एनएस परमार के नीचे ही जीता है और 1200 मीटर में 4 किलो की पेनल्टी है घोड़े पे, 1400 मीटर जाना है और 200 मीटर और एक्स्ट्रा कर दिया, उम्मीद करते हैं एक बेटर रन दोबारा देखने को मिले। और उसके बाद है 3 नंबर इज इन नॉट सीज ब्यूटीफुल, ये भी मिस्टर पद्मा भान जी का घोड़ा है और पी ट्रेवर बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, इम्प्रूव काफी किया था, क्लास 4 जीता था, उसके बाद सीधा क्लास 2 जीता घोड़ा। उसके बाद लेपर रॉक, जो मेरे ख्याल से वो 3-4 घोड़े जो टॉप भागते हैं उनके साथ में काफी क्लोज फिनिश किया था, नीरज रावल फाइनल एंट्री लेके गए थे शायद घोड़े को, और यहाँ पे फाइनल एंट्री नहीं थी शायद, और अगर ऐसे ही कंसिडर हुआ है घोड़ा बेंगलोर से तो बिल्कुल यहाँ पे पोटेंशियल है और ट्रेवर के नीचे बिल्कुल बनता है। 4 नंबर सीलोन जर्वन के नीचे सरप्राइज कर सकता है और 6 नंबर डिविलियर्स 1400 का ही घोड़ा है और नॉर्थन लाइट के आगे भागा है भी लास्ट टाइम श्रेयस सिंह, नजर रख सकते हैं आप अपसेट के लिए, प्राइड एंजल 1400 का ही घोड़ा है यार ये, और अक्षय कुमार बैठा हुआ है इम्तियाजी सेठ जी के घोड़े पे, सरप्राइज ये भी कर सकता है। 10 नंबर प्रॉमिस कैप बहुत बढ़िया रन था 1200 में, इस बारी 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है और सकलेन से चौहान बैठा दिया है, घोड़ा यार बिल्कुल बनता है लोअर वेट में। और पिक लेके चलूंगा दोस्तों दो जो टॉप घोड़े लग रहे हैं, 3 नंबर इज नॉट सीज ब्यूटीफुल पी ट्रेवर और 1 नंबर ब्लैक ऑनिक्स टी एस जोधा। आ जाते हैं दोस्तों 7वीं रेस में, 7वीं रेस 1200 मीटर क्लास 4 की रेस है, 1 नंबर चिसॉक्स, मैं यहाँ पे यार सारे घोड़े मतलब वैसे तो टॉप घोड़ा 2 नंबर ही लग रहा है पेवरोटी, लास्ट टाइम भी मैं पिक लेके चला था सिंगल, और वैसे ही जीता घोड़ा 60 किलो में पौने 10 लेंथों से और टाइमिंग के साथ में, और इसी के साथ में मैं अगर घोड़े देखूँ 1 नंबर चिसॉक सरप्राइज कर सकता है, 3 नंबर स्टार एडमायरल क्लास 3 मिलियन तक देख के आ रखा है तो ये भी भवानी के नीचे 62 किलो में अपसेट जरूर कर सकता है, 4 नंबर स्टार एबव जॉन बाबा के नीचे और जॉनी कंटिन्यू रन दे रहा है, और बिल्कुल ये भी घोड़ा यार यहाँ पे बोर्ड के लिए ट्राई कर सकता है और सरप्राइज भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नंबर सुपर रूफियन बहुत बढ़िया घोड़ा है यार ये, और यहाँ पे जॉकी का मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है इंद्रजीत बैठा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, प्लेस कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं 6 नंबर एयर डिस्प्ले, 1200 मीटर में अभी थर्ड लगा था, विवेक ने ही राइड किया था और विवेक ही बैठा हुआ है इस बार भी,
तो उम्मीद करते हैं विवेक के नीचे एक बेटर रन और देखने को मिले। और यहाँ पे यार मैं सिंगल ही हॉर्स पिक लेके चलूंगा दोस्तों, जैसा मैंने बताया लास्ट टाइम भी मैं सिंगल ही लेके चला था, और इस बारी 2.5 किलो की पेनल्टी है 2 नंबर पे, पैबरोटी जे एच अरुल, और उम्मीद करते हैं 1 रन और जीते यहाँ पे। बट थोड़ा सा ये लग रहा है क्लास 4 से ज्यादा बेटर रहता, क्लास 3 भी भगा सकते थे घोड़े को। खैर क्लास 4 में दोबारा एक बारी इस टॉप वेट में घोड़ा जीते, उम्मीद करते हैं थोड़ी कम लेंथों से जीते बट जीते। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बैंगलोर के लिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों। उम्मीद करते हैं यार मैसूर जैसा कुछ देखने को ना मिले। और ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय यार, बाय बाय।